है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा व्लॉग्स। आज हम बाहर आए हैं। मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। सो बहुत दिन मीन्स हफ्ते तो मैंने हफ्ता एक हफ्ता हो गया मैंने व्लॉग नहीं किया कोई शूट। और ये एक्चुअली पुराना थोड़ा सा व्लॉग है, दो एक डेढ़ हफ्ते पहले पुराना व्लॉग है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। अभी स्नो थोड़ी मेल्ट हो रही है क्योंकि मार्च महीना चल रहा है। और ये हमारे घर की दूसरी साइड है जहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं गिरती और स्नो बहुत देर लगाती है मेल्ट होने के लिए। अप्रैल तो आ ही जाता है यहाँ पे, तो यहाँ की स्नो मेल्ट नहीं हुई है। और मैं यश एंड अर्णव हम वॉक के लिए बाहर आए हैं क्योंकि यश का ब्रेक है अभी, लंच ब्रेक, एंड उस दौरान हम थोड़ी सी वॉक के लिए बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद ये अर्णव का टाइम हो जाता है स्लीपिंग का, उसे अच्छी स्लीप हो जाती है उसकी जब हम वॉक करते हैं। और हमें बीती वाटे स्लीपरी जागे और उन चाल लाला अन्य वो कसा चालना है हैप्पी है तू? कुठे? थाम ना आमच्या बरोबर चल ना, रन कर तो बाय। हनी तू हैप्पी है? हनी तू हैप्पी है? Happy? Ani A B C D E F G H I J K L P Q R S T U V W X Y and Z. No. It is not. It is IC. It is not. Now Anni know my ABC. Next time won't you sing with me? Anni kuthe? Anni kuthe aale? Kuthe aale tu? Dada kuthe? Tu shinkar? हाथ पकड़ून जाइया असे जाइया। ओके हाथ पकड़ा। ओके चल अपन इतना रिटर्न जाओगे, चल इतना जाएगा रिटर्न। अब हमारा वॉक हो गया है तो हम घर जा रहे हैं और बच्चों को घर पे ड्रॉप करके मैं जाऊंगी वॉलमार्ट कुछ शॉपिंग के लिए। जब तक हस्बैंड घर भी आ चुके होंगे तो मेरे पास आज बहुत टाइम है तो मैं अच्छा सा स्पेंड करूंगी टाइम। ना तिकडे स्लिपरी होत ना, अन्नीकडे शूज नाही ना स्नोचे, माझ्याकडे आहे पण अन्नी पडला तर मला पण पाडेल तो। धावत अब मैं आई हूँ वॉलमार्ट जो हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पे है। और मैंने कहा मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूँगी वो इसलिए क्योंकि ग्रोसरी के साथ मैं आज जो कपड़ों के ऊपर सेल लगी होगी शूज़ के ऊपर उसे भी चेक करूँगी क्योंकि मार्च मंथ में जब विंटर ऑलमोस्ट फिनिश होने आता है
तब वॉलमार्ट या सुपर स्टोर, लेकिन मैं हमेशा वॉलमार्ट ही आती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छा सा सेल लगा होता है। जितनी सेल कपड़ों के ऊपर या शूज के ऊपर उन्होंने लगाई है, 50% या 70%, उससे भी कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा सेल पे चीज़ें मिल जाती है। जैसे आज मुझे मिली जिस जैकेट पे कुछ उन्होंने 50% ऑफ दिया था, $45 की विंटर जैकेट थी वो। मैंने एक साइज़ ऊपर लिया अर्नव के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए। ऐसे ही शॉपिंग कर लेती हूँ मैं 1 साल पहले, क्योंकि जगह तो है, मैं बेसमेंट में रख देती हूँ ऐसी चीज़ें। शूज़ लिए मैंने, जैकेट्स ली है और कुछ टी शर्ट लिए यश के लिए, जिसे एक साइज़ बड़े लेने पे अगर कभी कुछ त्यौहार है या हमें बाहर जाना है समर के लिए या विंटर के लिए, तो उस दिन वो पहन लेते हैं बच्चे। तो सबसे पहले मेरा कैमरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेकी शेकी हो रहा है, जो उसे मैंने ट्रॉली में रखा था। तो अब मैं बंद करती हूँ और आपके साथ चीज़ें मैं बाद में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं आई हूँ वेजिटेबल सेक्शन में और यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जहाँ पे मेरी आधी ट्रॉली तो यहीं पे भर जाएगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं शॉपिंग कर घर आई हूँ, सो आपके साथ मैं छोटी सा ग्रोसरी हॉल शॉपिंग हॉल शेयर कर देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैंने निकाल ली है, अच्छे से साफ़ कर लिए। जो भी फ्रूट्स थे उसे मैंने बड़े से बकेट में निकाल के अच्छे से वॉश करके लिया है। और यहाँ पे मैंने डिपिंग सॉस लाए है, कुछ स्प्रेड लाए है एंड केचप, जो अभी है मेरे पास। लेकिन डिस्काउंट में चीज़ें अगर मुझे मिल जाती है तो मैं हमेशा लेती हूँ और उसे स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं अर्नव, तो प्लीज़ डोंट माइंड, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कैमरे में कॉफ़ी भी मैंने लाई है, ये स्ट्रॉन्ग वाली, ब्रेड्स एंड पाव लाए हैं, जो पाव भाजी मैं कल बनाने वाली हूँ उसके लिए, एंड गार्लिक ब्रेड यश को बहुत पसंद है तो वो लाए हैं मैंने। हाँ, मैं वो बता रही थी कि जो भी जो फ्रीज में नहीं रखने वाली चीज़ें हैं, ड्राई कंटेनर जो भी होते हैं, उसे मैं एक्स्ट्रा लाती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ। इससे ही जो है सेविंग थोड़ी बहुत हो जाती है। और ये कोल्ड फिश लाई है मैंने, ये बार्बिक्यू के लिए बहुत अच्छी फिश है, और उसी के साथ चिकन फ्राई, साथ चिकन फ्राइज़ है, चिकन नगेट की तरह ही है, सेम लगते हैं। फिर ये फिश है, ये वाली फिश मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, अभी कम की है मैंने। बहुत ज़्यादा पहले अच्छी लगती थी हमें, लेकिन अभी थोड़ी। और फिर ये कुक श्रिम्प है, जो चिकन फ्राइड राइस में अच्छे लगते हैं। चिकन ये लाया है मैंने ग्राउंड वाला। फिर साथ में हॉट डॉग है, फिर यहाँ पे आते हैं, ये है टी सेक्शन, जिस यहाँ पे मैंने टोस्ट लिए हैं, ये वाले कुछ मफिन्स है, बहुत अच्छे मफिन्स थे ये, और टटियाज लिए हैं स्नैक बनाने के लिए। फिर यहाँ पे चीज़ लिया है, चीज़ पराठा या फिर कोई भी स्नैक बनाने के लिए, दोनों सेल पे थे, मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और ये वाली तीखी सेव है गाटिया, जो अर्नव की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर इस वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे ये कुछ मेरे कपड़े हैं, मैंने जो मेरे लिए लिए है टी शर्ट्स एंड सॉक्स। ये ऊपर मैंने रखे हैं बिस्किट्स है। ये वाली कढ़ाई अभी मैंने एक बार यूज़ भी की, जो लास्ट वीक में, बहुत अच्छी थी, सेल पे थी, मुझे लगा इतनी अच्छी नहीं होगी। और ये वाला जो टैग है, ये अर्नव के जैकेट का है, लेकिन उस पर रखा है मैंने। तो कढ़ाई बहुत अच्छी है, ये 2-3 बार मैंने अभी यूज़ भी कर ली इसी हफ्ते में, और बहुत अच्छे फ्राइड राइस बने, फिर नूडल्स भी बनाए, और मिक्स करने के लिए बहुत अच्छी फैली हुई कढ़ाई है। बस इसकी लीड नहीं मुझे मिली, नेक्स्ट टाइम मैं चेक कर लूँगी, या फिर मेरे पास होगी बेसमेंट में, वो देखनी है मुझे। ये कुछ स्नैक्स ही है सारे कुछ, जो अभी हम बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं तो डब्बे में अच्छे से पैक करके लेके जाओ, बच्चों का स्नैक हो जाता है। बाहर जाते ही उन्हें थोड़ी बहुत भूख लगती है, या फिर हम बैठ के थोड़ा सा खा लेते हैं जहाँ पे अच्छा लगता है, पार्क में या फिर ऐसे ही वॉक के लिए अगर गए। ये भी सेल पे था, ये यश का फेवरेट ड्रिंक है, ये कुछ योगर्ट विथ स्ट्रॉबेरी आई थिंक है ये।
बस यही था ये वाला सेक्शन। और मैगी हमें बहुत ज़्यादा लगती है अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैगी मैंने हमेशा जाती हूँ तो मैगी मैं लाती ही हूँ। ये वाला सारा स्नैक ही है। फिर ये फ्रूट्स मैंने निकाल के ऐसे साफ़ करके रखने हैं इसे। थोड़े बहुत एप्पल मैंने कर लिए, फिर इसके के ऊपर लेमन रखा है, और ये नारियल पानी। नारियल पानी यहाँ पे जो वॉलमार्ट से हम लाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मीठा रहता है और बहुत अच्छा रहता है। अभी इतना तक एक बार भी ख़राब नारियल निकला नहीं है मैंने जब भी लाया, लेकिन मैं कम ही लाती हूँ, 2 या 3 नारियल लाती हूँ, जिससे वो ज़्यादा देर तक ना रखने पाए ना रखना पड़े और ख़राब हो। पेरू लाए मैंने, बहुत स्वीट एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसके। फिर एवोकाडो लिए है, और ग्रीन एप्पल स्मूथी के लिए मेरे, एंड बहुत ज़्यादा लेमन एप्पल भी रखे हैं मैंने, रेड वाले यहीं पे। और यहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स मैंने रखे हैं जो निकालने बाकी है। जो एक वाला जो वाइट कंटेनर था ये तो भर गया, अभी दूसरा मुझे देखना है कि मैं जिसमें भर के रखूँ। फ्रूट्स मैंने बहुत लाए क्योंकि बच्चों को अभी धूम है, हम लोग ऐसा वाला स्नैक ऑयली वाला खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो मैंने फ्रूट इस वाली शॉपिंग में बहुत ज़्यादा लाए हैं। पाइनएप्पल भी लाए हैं मेरी ड्रिंक के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आई थिंक कुकिंग चैनल पे शेयर कर ली है, वेट लॉस की ड्रिंक। तो एक पाइनएप्पल मैंने कट करके फ्रिज में रख दिया, फिर अगर ख़राब ना हो जाए इसलिए दूसरा भी कट करके फ्रीज़र में स्टोर करके काफ़ी देर तक चल सकता है। कैंटालूप भी वैसे ही किया है मैंने, स्मूथी के लिए लाया है। स्मूथी में बहुत ज़्यादा कैंटालूप मैं बनाती हूँ, जो बहुत अच्छा भी है। और जिंजर भी मैंने इस टाइम बहुत ज़्यादा लाए हैं, मेरी वाली वेट लॉस स्मूथी के लिए ही मुझे लगने थे, तो इसी के लिए मैंने पील ऑफ करके इसे भी ग्राइंड करके थोड़ा सा रख दिया है। और थोड़ा ये जिंजर तो है वो बहुत देर तक चलता है, अब अगर आप फ्रिज में रखो। फिर ये सारे बाजू में है वेजिटेबल्स, कुछ फ्रोज़न कुछ फ्रेश। ब्रोकली जो है मैंने फ्रोज़न भी लाई है एंड फ्रेश भी लाई है। हम मैगी में भी सुबह सुबह भी बनाते हैं, और कभी नूडल्स बनाए कभी फ्राइड राइस बनाए, सभी में मैं डालती हूँ ये। कि कुकुम्बर जो है ये भी मेरी स्मूथी के लिए है, फिर ये स्नैक के लिए स्प्राउट बीन्स है जो फ्राइड राइस एंड उसी के से लिए सब। ओफ, फिर ये लेटस है, टमाटो है, सेलरी, कुकुम्बर अगेन मैं इसी भी हाई पे रख देती हूँ। ये वाली स्पिनच ली है मैंने क्योंकि जो फ्रेश वाली स्पिनच है वो बहुत छोटी छोटी है, वो भी ली है मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसके पत्ते बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वो कुछ निकलती ही नहीं, मतलब साफ़ करने के बाद, तो इसलिए मैंने फ्रेश स्पिनच लाई है जो स्मूदी में बहुत अच्छी लगती है। फिर कुछ एग्स है यहाँ पे, पाइनएप्पल एक्स्ट्रा लिया है कैन वाले भी मैंने, अगर वो ख़त्म होते हैं या फिर ख़राब निकलेंगे तो स्मूदी के लिए फिर मुझे भागना पड़ेगा लाने के लिए, तो इससे अच्छा है मैं ला के रखूँ। ये वाला 0% योगर्ट मैंने लिया है, जो अभी उसके लिए रायते के लिए या फिर उसके लिए लगता है। और फिर ये प्लेट्स लिए है मैंने जो सैलड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, डीप है, स्प्रेड है नहीं हमारे पास जो है उसमें सैलड ठीक से बैठता नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा डीप नहीं है वो, तो इसलिए मैंने ये वाली 2 ही प्लेट्स ली है मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। बाद में देखते हैं कितनी अच्छी है, अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो मैं बाद में और ला सकती हूँ, लेकिन पहले से ही रख लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये वाले लाए हैं मैंने, एक ये एक साइज़ अप है अर्नव के लिए, बहुत अच्छी पैंट थी एंड जैकेट तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, सेम सेम मैचिंग मैचिंग। फिर देखिए ये 69 का था, 69 इसकी प्राइस, और फिर इन्होंने $45 पे डिस्काउंट पे लगाया था, और मुझे ये कुछ यहाँ पे $25 का साइन है, तो मुझे $25 में ये मिला है दोनों भी, पैंट एंड जैकेट। तो कितना मुझे 45 डॉलर का ऑफ मिला है। और ये वाले शूज़ भी, इसका टैग मैंने निकाला जो अभी कढ़ाई के ऊपर था, तो ये मुझे 20 डॉलर में मिले, $19 के थे। इसकी ओरिजिनल प्राइस कुछ $45 की थी, तो 50-60% ऑफ था इसके ऊपर भी। और बहुत अच्छे शूज़ है ये भी, नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। 10 नंबर साइज़ है इसकी, अभी वो 8 नंबर शूज़ उसे लगते हैं।
इसी के साथ यश के 2-3 टी-शर्ट थे जिसे वो ट्राई करने के लिए लेके गया है। और मैं ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले बहुत सारी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।